ओके मैम, सो आप लोग कब से खड़े हो और क्या नाम है आप लोग का? सलमान? कहाँ से आए हो? दिल्ली से सर। आप मैडम, पूरा बैग बिग भी आपका है तो आप बाहर खास सलमान सर के लिए आए हो? क्या कहना चाहोगे? आज उनका बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सलमान, आपके जीवन में आगे बढ़ते रहो, सबको अच्छा लगेगा आगे। आप क्या कहना चाहोगे उनके बर्थडे पे? क्या लगता है कब तक आने की आएंगे सर? कल रात में यहाँ पे आए हम, तो सबसे पहले अपने दिल्ली से शिरडी गए, शिरडी से फिर रात में इधर आए और रात से हम यहाँ पे। कब तक रुकोगे? कुछ प्लान किया आपने? को देख के जाना है बस, और कुछ नहीं, तो देख के ही हमें दिल्ली रिटर्न, और कोई इच्छा ही नहीं हमारी। ओके सो आज तो अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया है, 6 बजे था मेरा, रात को 11 बजे कराया है। सो आज 58th बर्थडे है, उस ओकेशन पे कोई मैसेज देना चाहोगे आप? 58 आप ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, सो कितने बजे से आप खड़े हो सलमान सर का वेट करने में? सर मैं सुबह से खड़ी हूँ यहाँ। ओके सो कब तक खड़े रहने का प्लान है, क्या लगता है? नहीं आ जाएंगे तब तक। और क्या क्या कहना चाहोगे? उनके बर्थडे है आज, ये जो दिन है। हैप्पी बर्थडे सलमान सर, मैं 26 ईयर से उनकी फैन हूँ, बचपन से 8 साल की थी तब से उनकी फैन हूँ, और मैं उनके लिए मतलब एक तरह से दीवानी हूँ, पागल हूँ, और आज फर्स्ट टाइम देखूंगी उनके इतने सालों बाद, क्योंकि मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, दबंग टू में मैंने इतने टिकट करवाए थे और मैं जा नहीं पाई। ओके अब मुझे देखना उनको चाहे कुछ भी है, पैर में भी एक्सीडेंट हुआ था, लगी है मेरे पैर में ये धार के भी। ओके सो सबसे खास मूवी कौन सा है उनका, कोई ऐसा पहला मूवी जिसमें? वैसे तो मुझे सारी मूवी अच्छी लगती है और सारी देखी है मैंने, पर मुझे उनकी बजरंगी भाईजान अच्छी लगी। ओके इस साल टाइगर 3 आई तो देखी आपने, कैसी लगी? अच्छी लगी बहुत, एक्शन मस्त एक्शन था। ओके सो आज 58th बर्थडे है उनका, सो इन ओकेशन पे क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से? बस मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसी सफल रहें और उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ती रहे और हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारा एंटरटेनमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। सो भाई कब से आप खड़े हो, सुबह से कितने बजे से खड़े? सुबह से नहीं खड़े हैं, रात 11:30 बजे से खड़े। क्या है आज अगर सलमान भाई का बर्थडे है, क्या कहना चाहोगे उनके बर्थडे की? सलमान भाई आपकी उम्र लंबी हो, आपको देख देख के हम फिट रहते हैं भाई। देखो ऑल इन वर्ल्ड में सलमान भाई को देख कर सब फिट होते हैं बंदे, जितने भी स्टार लोग आते हैं ना, जितने भी छोटे आ रहे हैं, ये टाइगर श्रॉफ है, जितने भी आते हैं सब सलमान के फैन हैं। जब भी हम कहीं जिम में जाते हैं तो सबसे पहले सलमान भाई की फ़ोटो दिखती है। हम देखो धर्मेंद्र जी हैं, हेल्थ के हिसाब से वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में फिटनेस सिखाई है वो हमारे सल्लू भाई ने सिखाई है सभी को। सलमान खान की कोई 3 ऐसी पिक्चर बताइए जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो। भाई एक तो वांटेड है ना भाई, बोलता ही नहीं आदमी कभी, जो चाहे 1000 बार दिखवाओ। एक बजरंगी भाईजान है, और भाई मेरे नज़दीक जो है जय हो। जय हो में भाई के डायलॉग ऐसे हैं सलमान भाई के रोंगटा खड़ा हो जाता है, और ये शेर खान वाला है ना, शेर खान की जो आवाज़ निकालता है उसमें जय हो फिल्म में, वो भाई क्या कहना। और वो उसमें एक मैसेज बहुत प्यारा दिया सलमान भाई ने कि थैंक यू ना बोले भाई, 3 आदमियों की मदद करें। yes. ये रियल में अगर हो जाए तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी चेंज आ सकता है। क्या लगता है कब तक आएंगे सलमान सर? रात भाई बोले थे, वो कॉल आई थी अंदर से कि 2 से 2:30 के बीच आएंगे। ओके तब तक आप वेट करो भाई, अब शाम तक भी चाहे कल तक भी करना पड़े, लेकिन है आज। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सो सलमान सर का बर्थडे, क्या कहना चाहोगे सलमान सर? ओके कोई फेवरेट पिक्चर सलमान सर की देखा आपने, कैसी कैसी लगी आप लोग को मूवी? टाइगर 3 कैसी लगी आपको, कैसी लगी? सलमान सर की कोई ऐसी बात जो काफ़ी खास लगती हो, उनका लुक हो गया, बॉडी हो गई, कोई खास लगता हो? हाँ हेयर स्टाइल आपको भी मैडम, आपको क्या अच्छा लगता है सलमान सर का? कब तक कब से खड़े हो आप सलमान सर को वेट करने के लिए, कब से खड़े हो? जस्ट आए। ओके तो कब तक वेट करने वाले हो, क्या लगता है सलमान सर कब तक आएंगे? शाम को आएंगे। ओके आपको क्या लगता है सलमान सर कब तक आएंगे? शाम को, शाम तक वेट करोगे? ठीक है तो एक बार बर्थडे सॉन्ग गा लीजिए, बर्थडे सॉन्ग सर के लिए। थैंक यू। ओके मैम, सो आप आज गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आए हो,
किस मौके पे आए हो, सबको पता है, फिर भी मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि किस मौके पे आप आए हो। सलमान बर्थडे। ओके, सो क्या कहना चाहोगे सलमान जी के बर्थडे पे, किस तरह की विशेष देना चाहोगे? लॉन्ग लाइफ एंड अल्लाह कीप हिम ऑलवेज हैप्पी एंड सेफ। कितने भी पिक्चर्स निकालेंगे हमेशा सारा पिक्चर्स हिट हो जाए। यस, कोई ऐसी मूवी जो आपको इंस्पायर्ड करती हो, कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि उनके हर मूवी में मैसेज रहता है, कोई ऐसी मूवी पिक करना चाहोगे जो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो? बजरंगी भाईजान एंड टाइगर थ्री। क्यों? ओके, टाइगर थ्री। यस, एंड ऑल द पिक्चर्स व्हाटएवर आई सीन, लाइक एवरीथिंग, एवरी पिक्चर वाज माय फेवरेट, लाइक ओके, आई नेवर मिस अ सिंगल पिक्चर इन थिएटर। ओके, टाइगर थ्री कैसी लगी आपको इस साल आई? यस, आई लाइक दैट पिक्चर अ लॉट, एंड इट वाज लुकिंग सम सीन लाइक एज इफ इट इज लाइक फ्रॉम अनदर कंट्री ना, यू नो। Yes. And now the situation what is happening in Palestine, so it looks some little like that to me, like, you know, somewhat like that. Okay, so last message to Salman. The dressing and all that coming from drone and the people. Okay, so last message to Salman sir, if you want to give some message. He's my favorite actor and will always be my favorite. I don't have any favorite actor beside him. And obviously my favorite actress is Aishwarya Rai, but unfortunately you know no one. Okay. I love those two of them very much, and he's one of my favorite. And my also name, if you go to see, is Salman Khan. So he's loved not because of that, like, but he's my fan from childhood. Thank you so much. The first picture that I like of his is Hum Aapke Ho Kaun, like, you know. So from that time I become his fan. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. ओके भाई, सो आप कहाँ से आए हो पहले ये जाना? कलकत्ता से आए। ओके, सो कितने देर से आप खड़े हो यहाँ पे? भाईजान के लिए। भाईजान के लिए कितने देर से खड़े हो? तो कल 4-5 बजे फ्लाइट था, वहाँ से सीधा बंद्रा में आया, भाईजान की गैलेक्सी में रुका है, लेकिन पुलिस आदमी यहाँ मुझे खड़ा नहीं होने दे। यहाँ से 1 बजे हम चला गया रात को, फिर हम रुका एक स्टेशन में, वहाँ से सुबह आया, भजन के रूम के बगल में खड़े हैं। Yes. कब से आप फैन हो, लाइक कौन सी ऐसी मूवी जो इंस्पायर्ड की उनका फैन बनने में? मूवी तो बहुत सारी मूवी है, क्या बोलूँ, कोई मूवी तो खराब नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगता है फैमिली के साथ रहता है, इसलिए। इस साल टाइगर थ्री आई उनकी, कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छा लगी। क्या क्या सबसे खास बात क्या थी पिक्चर में? आपने टाइगर 1, 2, 3 तीनों सीरीज देखी होगी आपने? हम सब कुछ देखा, लेकिन भैया के नाम से मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, जिसमें एम्बुलेंस है वो फ्री में हर आदमी को देते हैं। एक ऑफिस है जो लड़की लोग का शादी नहीं होता, वहाँ से हम कुछ पैसा देते हैं। बच्चों लोगों के लिए किताब देते हैं, ठंडी के समय जो ठंडी के पोशाक है वो सब कुछ हम देते हैं। ठीक है, एक लास्ट विशेज दे दीजिए भाई को उनके बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।